नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं Lallantop.com। इंटरनेट पर लोगों की उत्सुकता अपने सबसे भयानक रूप में सामने आती है और इसीलिए इंटरनेट पर न्यूज़ का कारोबार करने वाली कई वेबसाइट, कई कंपनियां आपकी इस उत्सुकता या कहें कि आपकी इस जुगुप्सा का फ़ायदा उठाती हैं। और इसीलिए देखें हॉट तस्वीरें, जर्नलिज्म दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ती है। उसका ही एक नज़ारा जो श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर के साथ पेश आया। ये श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर के बारे में खबर है जिसे केतन बुकरैत ने लिखा। गालियों का समर्थन नहीं, लेकिन जाह्नवी का सब कुछ दिखने पर अर्जुन और क्या करते। अर्जुन जो जाह्नवी के सौतेले भाई हैं। अब खबर क्या है? खबर यह है कि एक ये कोई बॉलीवुड तड़का नाम की वेबसाइट है जिसने जाह्नवी कपूर की, कहीं से वो आ रही होंगी, तस्वीरें लगाई, तस्वीरों में फिर लाल घेरा लगाया और ये ट्वीट किया। अर्जुन के 26 यानी कि अर्जुन कपूर के घर पहुंची जाह्नवी कपूर ने पहनी इतनी सेक्सी ड्रेस कि दिख गया सब कुछ, देखें तस्वीरें। और जाहिर सी बात है कि जो पाठक होगा, जो दर्शक होगा, वो इस तस्वीर में और क्या क्या दिखा, इसकी उत्सुकता में, कामुक उत्सुकता में क्लिक करेगा, खूब सारे क्लिक मिलेंगे। इस तरीके के नज़ारे आपको सब तरफ नज़र आते हैं। हमसे बार बार, खासतौर पर मुझसे, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो Lallantop के संपादक की हैसियत से ये पूछा जाता है कि जब आपने Lallantop बनाने की सोची तो क्या चीज़ें तय की। और मैं सबसे पहले उन्हें यही बोलता हूँ कि हमने सबसे पहले ये तय किया कि हमें क्या नहीं करना है। और उसमें पहला बिंदु यही था कि हमें देखें हॉट तस्वीरें वाली जर्नलिज्म नहीं करनी है। ये ठीक बात है कि Lallantop पर कई बार ऐसी खबरें लगती हैं जिसकी क्लिक बेटिश हेडिंग होती है, लेकिन कभी भी आपको उस क्लिक बेटिश हेडिंग में या उसके नीचे की तस्वीरों में इस तरीके की यौन परपीड़ा नज़र नहीं आएगी। इसमें क्या हुआ, जब इन्होंने ये ट्वीट किया जिसमें इन्होंने अर्जुन को टैग किया था, तो अर्जुन ने गालियाँ लिखी, यू नो वॉट एफ वर्ड यू मैन, फिर एफ वर्ड यू एज अ वेबसाइट फॉर हाईलाइटिंग ऑन ब्रिंगिंग इट टू एनीवन्स अटेंशन, इट्स शेमफुल दैट यू आर, आई वुड गो सर्चिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, शेम ऑन यू, दिस इज हाउ अवर कंट्री लुक्स एट यंग वीमेन, येट अनदर शाइनिंग एग्जाम्पल, अशेम्ड बाई दिस। इसके बाद उस वेबसाइट ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुकता है। मामला ये है कि इस तरीके के ट्वीट फिर किए जाएंगे। हो सकता है अगली बार जिन एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के बारे में ये ट्वीट किए जा रहे हों उनको टैग ना किया जाए। पर सवाल इस बात का है कि क्या ये हीरो हीरोइन हमारे लिए एक मांस का टुकड़ा भर हैं, जिनके साथ कोई हादसा होता है, जिन्होंने कोई ड्रेस पहनी है, कभी वार्डरोब मेलफंक्शन हो गया तो कैमरा उनके जिस्म को टटोलता है और फिर हमारे सामने परोसता है। ये एक सवाल है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आप देख रहे हैं Lallantop.com। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में जो मैसेज है, जो गुस्सा है, वो ज़रूरी है, वो जायज़ है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। व्यक्तिगत तौर पे और संस्थान के तौर पे Lallantop किसी भी किस्म की अभद्रता की वकालत नहीं करता है और इसीलिए अर्जुन कपूर के ट्वीट को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उसमें अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन उन अभद्र शब्दों के प्रयोग के पीछे के उस गुस्से को भी देखा जाना चाहिए जो इस तरीके की पत्रकारिता के ज़रिए प्रकट हो रहा है। ये वही मंच है, ये वही Lallantop है जिस पे हम कपिल शर्मा को लताड़ते हैं जब वो एक ऑनलाइन पोर्टल के एडिटर से असभ्यता से बात करते हैं, उनकी माँ और बहन को रेप की थ्रेट देते हैं। ये वही वेब पोर्टल है जहाँ पर हम एक गाली से भरे हुए ट्वीट के पीछे की मंशा की भी जांच करते हैं। श्वेत और श्याम और इन सब के पीछे पसरे सब रंगों को आपको दिखाता रहेगा Lallantop.com। अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं और आपको Lallantop की पत्रकारिता के तेवर, इसका कलेवर पसंद आता है, तो हमें YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड हों आपको फौरन से खबर हो जाए।